हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की वीडियो टोटली डिफरेंट है। आज की वीडियो है ग्रूम स्पेशल, और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रूम की, ग्रूमिंग किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी अगर दूल्हा है तो उसकी भी ग्रूमिंग किट होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप रख सकते हैं। ये ग्रूमिंग किट बेसिकली तिलक के समय दी जाती है। लड़की वाले जब तिलक चढ़ाते हैं उस समय ये सारी चीज़ें रखते हैं थाल में, या अलग अलग तरीका होता है, प्रथा होती है, सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं, बट ये सारा सामान रखा जाता है। तो यही सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी फर्स्ट नाइट पे अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप टू बी ब्राइड्स हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे आपको ग्रूम के लिए स्पेशली आइडिया लगने वाला है कि ग्रूम की ग्रूमिंग किट में क्या क्या चीज़ें रखनी है। इसमें कुछ गिफ्ट्स भी बताने वाली हूँ जो कि आप फर्स्ट नाइट पे भी दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। एंड इस वीडियो का सजेशन मुझे किसी ने दिया था, उसके लिए स्पेशली थैंक यू। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि हाँ, हमको ग्रूम्स के लिए भी वर्क करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ब्राइड्स को पता होनी चाहिए ग्रूम्स के बारे में। वो सीरीज़ भी मैं शुरू कर रही हूँ। आप बताइए क्या इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ? अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। बेसिकली हम इतना तो जानती है कि मतलब अगर बात करें लड़कियों की तो बहुत सारी वैरायटी के कपड़े आते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं लड़कों की तो ज़्यादा वैरायटी के कपड़े नहीं आते। मतलब वैरायटी आती है बट उतने ज़्यादा नहीं आती है। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपके घर वालों का या जो भी बजट क्या है। बेसिकली बजट डिपेंड करता है। वैसे तो 5, 7, 11, 21, 51 इस तरह के कपड़े दिए जाते हैं हर जगह, चाहे फिर वो ब्राइड हो या ग्रूम हो, दोनों के केस में। तो अगर आपके यहाँ मतलब 5 कपड़े देने हैं 11 देने हैं 21 देने हैं, जैसे भी आपको देने हैं, तो उसमें आप पेयर ऑफ सूट का सेट रख सकते हैं। सूट इन सेंस जो कोट पैंट का प्रॉपर सेट आता है, 3 पीस कह लीजिए 4 पीस कह लीजिए 2 पीस कह लीजिए, हर तरह का आता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आजकल लड़कों के लिए भी 4 पीस 3 पीस 2 पीस सेट आ रहा है कोट पैंट का, वो आप दे सकते हैं। वेस्ट कोट के साथ भी अलग से आ रहा है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप कोट पैंट नहीं देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कुछ और, तो आप शेरवानी या कुर्ता पजामा दे सकते हैं। कुर्ता पजामा, शेरवानी, उसके साथ वेस्ट कोट वगैरह लगा दीजिए, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी होती है। वैसे शेरवानी तो मतलब लड़की वालों की तरफ से जाती है लड़के के लिए, बट स्टिल अगर आप मतलब इसके अलावा कुछ और चीज़ें देना चाह रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप जीन्स या ट्राउज़र रख सकते हैं, शर्ट रख सकते हैं, शर्ट आप पेयर ऑफ शर्ट्स रख सकते हैं, आप ट्राउज़र रख सकते हैं, साथ में आप टी शर्ट्स वगैरह भी रख सकते हैं। लोअर टी शर्ट भी रख दीजिए, आपको कपड़े ज़्यादा करने हैं, आपको लग रहा है कि ये भी रखना चाहिए, लोअर टी शर्ट भी रखा जाता है। एंड साथ में जीन्स, सॉक्स रखे जाते हैं। सॉक्स के अलावा हैंडकरचीफ यानी रुमाल रखा जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक रुमाल रखिए, पेयर ऑफ रुमाल्स रख दीजिए, पेयर ऑफ हैंडकरचीफ्स रख दीजिए, काफ़ी सारे होने चाहिए। मतलब एक पूरा सेट ले लीजिए, 3, 4 या 5 का आता है वो रख दीजिए। सॉक्स भी एक जोड़ी नहीं अच्छा लगेगा, तो वो भी आप पेयर्स रख दीजिए, 3-4 जोड़ी अपने कपड़ों के हिसाब से। इसके अलावा आप टॉवल दे सकते हैं, बार टॉवल। मतलब ये चीज़ें लोग लगाते हैं, देते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे सोचते हैं कि अरे टॉवल दी जाएगी, बट अगर ऐसा है कपड़े पूरे करने के लिए, काफ़ी सारे लोग आजकल टॉवल भी लगा रहे हैं, बिकॉज ये एसेंशियल होती है ग्रूम की, तो ग्रूम की एसेंशियल चीज़ टॉवल भी होती है, तो ये भी लगा दीजिए। कई लोग ये चीज़ें मतलब ट्रॉली में रख के देते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिहार में शायद इस तरह का कल्चर चलता है। मैंने देखा तो नहीं है कि ग्रूम को भी चीज़ें ट्रॉली में रख के दी जाती हैं, बट अगर मैं बात करूँ अपने मायके की तो हमारे यहाँ मतलब कल्चर चलता है ये सारी चीज़ें ट्रॉली में नहीं, थाल में रख के दी जाती है। तो आपके यहाँ जैसा कल्चर चलता है वैसे रख दीजिए। अगर थाल में चलता है तो आप बड़ी पराठ टाइप की थाल लीजिए जिसमें सारी चीज़ें आ जाएँ। नहीं आ रही है तो आप मतलब एक ट्रॉली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें ग्रूम के लिए सारा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अच्छी ब्रांड की वॉच रख सकते हैं। एक वॉच रख दीजिए या दो, मतलब एक या दो, लोग दो भी रख देते हैं या एक भी रख देते हैं, या आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी गोल्ड की चीज़ रख दीजिए, चाहे फिर रिंग रख दीजिए या चेन रख दीजिए। कई लोग देखिए रिंग भी रखते हैं, चेन भी रखते हैं, सबका इंडिविजुअल बजट होता है। मैं बजट पर नहीं जा रही हूँ। आपका बजट कह रहा है कि आप 10 चीज़ें रखिए तो आप 10 चीज़ें रखिए, आपका बजट कह रहा है 1 चीज़ रखिए तो आप 1 चीज़ रखिए। मतलब कहते हैं ना दिल से देना चाहिए, गिफ्ट है तो गिफ्ट तो दिल से दिया जाता है, उसमें नहीं देखा जाता है कि इतना महंगा रख रहे हैं। ये होता है शादी ब्याह में कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना मतलब आपका हैसियत कह रही है उस हिसाब से रखिए। गोल्ड की चीज़ चाहे रिंग रखिए, चाहे चेन रखिए, चाहे कुछ भी रखिए, वैसे ज़्यादातर चेन और रिंग ही चलती है जेंट्स में, मतलब मेल्स में। कुछ चीज़ें जो अलग एसेंशियल्स होती हैं जो कि आप गिफ्ट के तौर पे फर्स्ट नाइट पे भी दे सकते हैं, वो है ग्रूम्स की शेविंग किट
या फिर पूरा शेविंग किट दे दीजिए, इरेजर दे दीजिए, या फिर आप मतलब ट्रिमर दे सकते हैं अगर वो ट्रिमर यूज करते हैं, ट्रिमर तो सभी यूज करते हैं जेंट्स में, ये दे सकते हैं। इसके अलावा डिओडोरेंट्स दे सकते हैं, परफ्यूम्स दे सकते हैं जेंट्स के लिए ना, परफ्यूम्स और डिओडोरेंट्स का कलेक्शन आप किसी ब्रांड का दे दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और मतलब शादी ब्याह में ही दिया जाता है ये सब चीज़ें, रेगुलर लाइफ में तो कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं देता है, तो ये चीज़ें भी आप रखिए, ग्रूम को ये चीज़ें देंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब ये चीज़ें अच्छी मानी जाती है, अच्छा रहता है, तो ये चीज़ें भी रखिए। उसके अलावा उनके लिए पूरी स्किन केयर किट रख दीजिए, जैसे कि बॉडी वॉश हुआ, शैम्पू हुआ, और उनका हेयर ऑयल हुआ, उनका पूरा जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, फेस वॉश हुआ, ये सारी चीज़ें जो लड़कों के यूज़ की होती हैं, सोप वगैरह, सोप मत रखिए अगर मतलब आपको लग रहा है कि सोप ऑफर, तो बॉडी वॉश लगा दीजिए, बॉडी वॉश, फेस वॉश, हेयर वॉश, हेयर शैम्पू, है ना, हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें आप लगा लीजिए। यहाँ ये कहूँगी कि आप जेंट्स के लिए यानी मेल्स के लिए, ग्रूम्स के लिए हेयर कॉम, हेयर ब्रश, ये चीज़ें भी लगाइए। साथ में आप उनको जो भी मतलब मेंस की क्रीम्स आती हैं, जैसे कि गार्नियर मेन, फेयर लवली मेन के लिए आती है, जो भी मेंस के लिए जो आइटम्स बने हुए हैं उस तरह के प्रोडक्ट लगाइए। फिर चाहे कोई भी ब्रांड हो, अगर आप कोई स्पेशली स्पेशल ब्रांड देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ब्रांड का दे दीजिए। साथ में कहूँगी कि शूज़ आपको देने होते हैं, शूज़ रखिए। शूज़ के अलावा अगर आप देखिए कुर्ता दे रहे हैं, अगर आप देखिए कोट पैंट दे रहे हैं तो आप तो फॉर्मल शूज़ दे देंगे, और अगर आप कुर्ता दे रहे हैं, ट्रेडिशनल लुक की बात कर रही हूँ, तो कुर्ते के साथ ज़्यादातर जूती चलती है तो जूती दे दीजिए, शेरवानी के साथ जूती चलती है, पगड़ी आपकी जाती है पगड़ी भी दीजिए, और साथ में जो मतलब ज्वेलरी होती है ना दूल्हे की, जो भी शेरवानी के साथ जाएगी वो ज्वेलरी दे दीजिए साथ में, मतलब कुछ पर्ल का नेकलेस होता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, और उसके अलावा शेरवानी का दुपट्टा अगर नहीं है तो अलग से ले लीजिए, अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी लगा दीजिए। मेल्स के लिए, ग्रूम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनका वॉलेट, तो वॉलेट आप अच्छी सी ब्रांड का दे दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और वॉलेट तो आप फर्स्ट नाइट पे भी दे सकते हैं किसी अच्छी ब्रांड का, परफ्यूम के साथ कलेक्शन बना लीजिए परफ्यूम वॉलेट का, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है और मेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ऐसी चीज़ गिफ्ट में जब देते हैं ना हम लोग की जो डेली लाइफ में यूज़ होती है, तो वो मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है, रेदर देन कि वो प्रोडक्ट बस रखा ही रखा है और जो प्रोडक्ट डेली यूज़ हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ मतलब जो मेल्स होते हैं वो वैक्स या फिर कह लीजिए हेयर जेल वगैरह लगाते हैं, तो अगर आपके फियांसे, आपके ग्रूम जो है बेसिकली, अगर वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो फिर आप वो ये सब भी दे सकते हैं, या भी किसी भी ब्रांड का कोई भी आप सीरीज़ ले लीजिए, वो आप दे सकते हैं। सीरीज़ में कुछ भी आपकी स्किन केयर हो गई सीरीज़, हेयर केयर हो गई, परफ्यूम्स की अलग आ गई, वॉलेट की आ गई, बेल्ट होती है बेल्ट दे दीजिए, है ना, तो ये सारी सीरीज़ भी आप दे सकते हैं। तो यही थी छोटी सी वीडियो, जो कि आप इसमें ग्रूम्स की ग्रूमिंग किट को डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें रह गई तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर ये वाली सीरीज़ आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का मतलब और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी ग्रूम से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी ग्रूम के लिए शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।